नमस्कार दोस्तों, कैसे सब आप लोग। मैं अंशुल गोयल आज के अपने सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि बेटा, आज आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि थंबनेल पर हम आपके नंबर सिस्टम के जो रेलवे लोको पायलट या टेक्नीशियन से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं उनकी पहली क्लास मैं आपके साथ लेके आया हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बायरल क्रिस सर, आप लगातार, हाँ भाई बिल्कुल, रेगुलर क्लास रहेगी, टेंशन मत लो। चलो डीडी सैनी, ओके करें बेटा बैच को स्टार्ट। अपने को आज हम इस सेशन में क्वेश्चन देखेंगे, पेपर जो आपका है नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम का बहुत बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है आप उस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन पर साफ साफ मेंशन है 59234 में 9 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई जो स्थानीय लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। अब आप इस बात को समझो कि इस स्थानीय का मतलब क्या है। बेटा, स्थानीय का मतलब यह है कि वो कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है। जैसे कि मैंने एक नंबर के लिए देखा, ये नंबर जो लिखा उसी पर हम डिस्कस कर लेते हैं, 59234। यदि मैं 4 का स्थानीय मान बताऊंगा तो ये आपका 4 का स्थानीय मान 1 होगा, ठीक है। यदि मैं 3 का स्थानीय मान बताऊंगा तो वो आपका 10 होगा। स्थानीय मान का मतलब है ये आपका सेकेंड सेकेंडरी प्लेस पर, ये आपका थर्ड प्लेस पर, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब ये है कि ये तीनों नंबर इस नंबर से, जो भी नंबर पर लिखा होगा उस नंबर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अब आपके 9 के लिए बात करेंगे तो ये जो भी नंबर है वो किससे गुणा हो जाएगा, आपका 1000 से। आपका जो 5 लिखा हुआ है वो 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 10000 से। पहले तो आप इनके स्थानीय मानों की कंडीशंस को समझो। ये तो रही इसकी स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद में इनका अंकीय मान भी होता है, जिसको अपन जातीय मान भी बोल सकते हैं। वह उसका जो डेटा है उस डेटा का वैल्यू क्या है। तो अब आप बात को समझना। अब देखिएगा बेटा, अब क्वेश्चन में किस तरह से डेटा को लिखा हुआ है। जैसे मुझे बोला कि 3 का स्थानीय मान, 3 जो है इसका स्थानीय मान गुणा 10, मतलब 3 का जो स्थानीय मान होगा वो तो बेटा आपका आ जाएगा 30। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, 30। अब और आप आगे बात करो 9 की, 9 के स्थानीय की मान बात करें तो 9 आपके कौन से पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर। 9 आपके फोर्थ पोजीशन पर है, तो फोर्थ पोजीशन पर लाने के लिए इस 9 को मल्टीप्लाई आप 1000 से करोगे तो आपका आएगा 9000। अब आपसे पूछा है कि भैया इनका डिफरेंस क्या होगा, तो आप बच्चों ध्यान दो, आपसे जब डिफरेंस पूछा गया, अंतर पूछा गया है, तो अब आप क्या लिखेंगे, 9000 में से 30 को माइनस कर देंगे, और 9000 में से जब आप 30 को माइनस करेंगे तो 8970 निकल के आएगा, जो कि आपके डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज द राइट। तो जिन जिन बच्चों का आपका डी आंसर आ रहा है एकदम राइट है, तो देखते हैं डी आंसर किसका है। महेंद्र सारण, बिल्कुल भाई डी आंसर एकदम ओके है। बाकी लोग आंसर बताएं, डी आंसर जितने बच्चों का है एकदम सही है, बिल्कुल राइट है, सही जा रहे हो। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 46587 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्थानीय मान, यदि 4 के स्थानीय मान की अब बात करोगे तो देखिएगा 46587। अब स्थानीय मान की बात करें तो बेटा ये 4 जो है इसका स्थान कौन सा है, इसके स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान की यदि आप बात करोगे तो ये कौन से नंबर पर, 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे 4 × 10000। बट इसी के आप जातीय मान की बात करोगे, या फिर आप बोलोगे सर अंकित मान क्या है, तो भैया इस 4 का अंकित मान तो 4 है। तो आपसे पूछा कि 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो बेटा आप खुद देखेगा, 4 × 10000 40000 और 4 का 4, इन दोनों डेटाओं का आपसे पूछा गया है अंतर। अब जब अंतर पूछा गया है तो आप माइनस कर दो, जैसे बेटा आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 3996 निकल के आ जाएगा, और 3996 आपका आंसर कौन सा है बोलो, आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन भैया अंतर नहीं पूछा है इसने, डी ऑप्शन नहीं आएगा, अंतर पूछता तो आता। चलो अब और आगे बढ़ते, क्या आपके क्वेश्चन क्लियर है। स्थानीय मान, अंकित मान, जातीय मान, क्वेश्चन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आपको बातें समझ में आनी चाहिए। चलो
अब हम चलते हैं और आगे, और महेंद्र सारण बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट है भाई। और किसी बच्चे का आंसर बी, बी आंसर जितने बच्चों का आ रहा है सबका राइट है, एकदम ओके है, सभी लोगों का बी आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जब तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1/2 × 4 + 1/4 × 6 + 1/6 × 8 से लेकर +1/18 × 20, और आपसे पूछा गया है कि भैया इसका मान क्या होगा। अब आप एक बात बताओ, इसका मान जब आपसे पूछा है तो क्या इस सीरीज को पूरा कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बेटा इस सीरीज के लिए मैं आपको एक नोट बताता हूँ, उस नोट को आप डायरेक्ट समझेंगे तो आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो जल्दी से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, देखो 1/ ये डेटा जो आपका दिख रहा है x1 x2 + x2 x3 + x3 x4 से लेकर 1/xn-1 से लेकर xn। क्या आपको ये डेटा समझ में आया? अब इस डेटा को देखने के बाद अब आप बात देखिएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब भाई क्वेश्चन की बात रही कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन देखो किस करेंगे। अब आप पहले तो देखो ये फॉर्मेट मैच कर रहा है क्या आपका? हाँ, तो सबसे पहले हम जब ये बात देखी तो हमारा ये फॉर्मेट आपका मैच कर रहा है। अब जब आपका ये फॉर्मेट मैच कर रहा है तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना, जब भाई तुम्हारा ये फॉर्मेट मैच कर रहा है, तो फॉर्मेट मैच कर रहा है तो जब इस तरह का कोई फॉर्मेट आ जाए तो उसको सोल्व करने का सीधा ही शॉर्टकट है 1/x2 - x1 × 1/x1 - 1/xn ये इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न है। अब जब भाई इस क्वेश्चन को करने का आपको पैटर्न समझ में आया तो अब पैटर्न को समझना, देखना कि x2 x1 क्या। अब x2 और x1 और xn तीन तो कीवर्ड आपके पास। अब इन तीनों कीवर्ड्स का मतलब क्या है, इन तीनों कीवर्ड्स का मतलब क्या है? ये तो है आपका सेकेंडरी प्लेस, ये आपका कौन सा डेटा है बेटा, सेकेंडरी प्लेस। ये आपका डेटा रहा सेकेंडरी प्लेस, ये x1 मतलब फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ, ये आपका वो फर्स्ट नंबर, ये आपका निकल के आया फर्स्ट नंबर, और xn जो कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए xn की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ अपना लास्ट नंबर। तो देखो बेटा इसको जब हम हल करने की ओर बढ़े तो हल करते समय आपने जब इस डेटा को कैलकुलेट किया 1/4 − 2 × 1/2 − 1/20 ये इस क्वेश्चन को अपने हल किया। जैसे आपने इस क्वेश्चन को हल किया तो अब आप देखिएगा 4 − 2 तो ये आया 1/2, और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा 20, 10 − 1 किया तो कितना आया 9, तो भाई 9/40 आ गया, 9/40 आ गया। अब जैसे 9/40 आ गया तो इसका मतलब है कि 9 में 40 का भाग देना, जो कि प्रैक्टिकली हमें जोर आएगा, तो आप इसको एक काम कीजिए 9 में 4 का भाग देने की बजाय 4 × 10 कर लीजिए। 4 × 10 करने से क्या फायदा होगा कि जैसे आप भाई भाग दोगे तो 9 में 4 पार्ट आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4 2.25। देखो कैसे कि 4 × 8 कितना बचा 1, फिर अगेन 4 × 8 फिर कितना बचा आपका 2 और 4 × 5 = 20। अब हमें 10 का भाग देना है तो 10 का भाग देंगे तो और आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.225 आपका निकल के आ जाएगा आंसर, और 0.225 आपके कौन से ऑप्शन में है, आपके डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज द राइट। तो जिन जिन बच्चों के इस क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है वो एकदम राइट है। तो देखते हैं कितने बच्चों का डी आंसर आ रहा है। भाई आंसर सभी लोग दिया करो, जैसे आंसर आप दोगे तो एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, तो आंसर देना आपको जरूरी है और आंसर देना चाहिए भी, ठीक है ना। गलत सही आ रहा है वो बात की बात है। मिस्टर कौन कौन ने दिया है, मनीषा अवस्थी डी ऑप्शन, महेंद्र सारण डी ऑप्शन, ठीक है दोनों लोगों का एकदम आंसर सही है, और क्रिश डी, ठीक है तीन लोगों ने आंसर दिया, तीनों का एकदम आंसर ओके है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीके शर्मा ब्लॉग डी ऑप्शन, बिल्कुल हाँ भाई बीके तुम्हारा भी आंसर एकदम सही है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 3^97 − 2^98 और आपसे पूछा गया यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ऐसा बोला गया। तो देखो एक बात, 3^97 − 2^98 बेटा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली नॉर्मली क्वेश्चन को तरीके से हल करेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है पहले आप अप्रोच समझो।
जब भी पावर आपकी बहुत बड़ी आ जाए और आपसे यूनिट प्लेस पूछे, तो सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा, यार ये तीन और जो दो मैंने दो लिखा है, ये तीन और जो दो लिखा है ना, ये कोई सा भी डेटा हो, मतलब कुछ नंबर तो ऐसे, जैसे मैं आपको लिखाता हूँ, जैसे कि आपका 0, 1, 5 और 6, ये चार नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस 0, 1, 5, 6 है, तो 0, 1, 5, 6 रहना है, कभी यूनिट प्लेस चेंज नहीं होना है। मतलब आंसर 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 0 पर 0 आएगा, 5 पर 5 आएगा, 6 पर 6 आएगा, इनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। बट यदि इनके अलावा रेस्ट डेटा देखते हैं, 2, 3 आपका और क्या बचा, 2, 3 के बाद 4, 7, 8, 9, ये वो आपके 6 डेटा है, इनकी पावर को आपको 4 से भाग देना होगा, इनकी पावर को आपको किससे भाग देना है, 4 से। अब बेटा एक बात बताओ, जब पावर को 4 से भाग दोगे तो क्यों दोगे, पहला पॉइंट तो ये हुआ। तो 4 से भाग इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी जो रिपीटेशन है वो 4 के बाद में होती है, इसकी जो रिपीटेशन है वो किसके बाद में है, 4 के बाद। जब भाई रिपीटेशन ही 4 के बाद में, तो 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अब मैंने इनके अलावा रेस्ट अमाउंट को 4 से भाग देने के लिए बोला, तो भैया ये दोनों वो डेटा है जिसमें 4 का भाग देना है। अब 4 से भाग देने के बाद हमें ये चेक करना है कि उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बोले तो उसका शेषफल क्या होगा। अब बेटा शेषफल की बात करें तो आपका जब 4 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा, और जब यहाँ आप 4 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ 1 बचा और यहाँ आपका 2 बचा, क्या आपको ये बात क्लियर? अब जब भाई ये बात क्लियर, तो देखो 3 की पावर 1 और 2 का आपका बचा स्क्वायर, तो भाई 3 माइनस 4 है, 3 माइनस 4 का आंसर कितना हुआ, -1। अब हमें लगता है भैया -1 आया, पर -1 आपका आंसर गलत है, भाई क्यों, हमारा तो -1 ही है, पर नहीं, आप ध्यान रखें कभी भी यूनिट प्लेस बोले तो इकाई अंक नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी यूनिट प्लेस नेगेटिव नहीं होता है। अब कभी भी यूनिट प्लेस नेगेटिव नहीं होता तो फिर क्या करें, यदि यूनिट प्लेस नेगेटिव आ जाता है तो 10 जोड़ दिया जाता है। ये आप इस बात को समझो। अब जैसे भाई आप 10 जोड़ दोगे तो अब देखते हैं आंसर में क्या चेंज आएगा। अब भाई आंसर में ये चेंजेज आएगा, -1 में जब 10 जोड़ा तो आपका आंसर पॉजिटिव 9 आ गया। आपने बचपन में जब घटाना सीखा होगा तब पड़ोसी से कैरी ऑन करते थे ना अपन, और जो कैरी ऑन करते थे वो 10 ही तो कैरी करते थे, बस एग्जैक्टली हमने भी अभी यही किया है, यहाँ भी यही काम किया है, तो कैरी ऑन किया तो +9 आया, और +9 हमारे कौन से ऑप्शन में, हमारे सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे ये आपको समझना होगा। तो देखते हैं बेटा कौन कौन के आंसर क्या क्या निकल के आ रहा है। महेंद्र सारण ए गलत है भाई, मनीषा अवस्थी 9 आंसर, ठीक है ओके, महेंद्र सी ठीक है चलो करेक्ट कर लिया, बीके सी बिल्कुल ओके। जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है सभी का एकदम राइट आंसर है, राइट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द ओके। चलो अब हम इसके आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आपने इसको नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आपकी बात इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन का वैल्यू समझिएगा। क्वेश्चन ने बोला x की पावर 13+1 को x-1 से विभाजित किया जाए तो भाई शेषफल क्या आएगा, तो सुनो, x की पावर 13+1 डिवाइड बाय x-1। अब इसको भाई बचपन के तरीके से करेंगे तो पूरा पेन पन्ना भर देंगे अपन, एक पेज भर देंगे, तो अब इस चीज से बचने के लिए आपको एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी। सुनो, आपको किससे भाग दिया गया, x-1 से, तो एक बात समझिएगा आप, नोट कुछ इस प्रकार है, जिस संख्या से भाग दिया जाए उसको, एक बात याद रखो, उसको 0 के बराबर रखो, पहला पॉइंट तो हमने क्या, उस संख्या को किसके बराबर कर दिया भाई, 0 के बराबर। जैसे ही वो संख्या 0 के बराबर हुई,
उसके बाद उस संख्या का मान निकालकर, मान निकालकर, इससे मान निकालेंगे, मान निकालकर भाजक में रख दिया जाता है। अब मैंने क्या बोला उस बात को आप समझने की कोशिश करना भाई। अब मैंने बोला सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मानों को रखना है, तो एक्स माइनस वन को मैंने किया किसके बराबर, जीरो के। तो यहां से मेरे एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, वन। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो। अब भाई जैसे ही एक्स की वैल्यू वन निकल के आई, तो मैंने आपको बोला उसके बाद उस संख्या का मान आपको निकालकर भाजक में रख देना है। तो भाजक तो ये रहा, तो मैंने एक्स की पावर 13 प्लस वन, और एक की पावर 13 करेंगे तो एक ही आएगा, और एक प्लस एक आपका आंसर दो। तो आपसे पूछा कि शेष फल क्या आएगा, तो भैया इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो शेष फल है, वो शेष फल आपका दो निकल कर आएगा, और दो आपके डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द राइट। तो जिन जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है, डी आंसर एकदम सही है। तो भाई डी आंसर वाले सभी का सही आंसर, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर? चलो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जितने लोगों का, हाँ मनीषा अवस्थी, डी आंसर सही है। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वही फाइंड आपसे क्या पूछा गया है, इकाई अंक पूछा गया है। तो अब आप देखिएगा इसका इकाई अंक क्या है। मैंने अभी अभी थोड़ी थोड़ी, तो मैं पहले रूल लिखाया था इन सभी डेटाओं के लिए। देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ, रूल जो लिखाया था उस रूल में आपको साफ साफ बताया था कि इकाई अंक कैसे कैसे काम करेगा। देखिएगा इकाई अंक की बात करोगे तो मैंने ये डेटा आपको लिखा है कि 0, 1, 5, 6 आएंगे, तो आपका आंसर यही आएगा, और इनके वाले पावर को किससे भाग देना है आपको, 4 से। जब भाई आपको ये बात क्लियर, तो सुनो 4 दिखा, तो 4 में हमने इसकी पावर जो 225 है, उस 225 को 4 से डिवाइड किया। 6 की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 6 की जगह हमने क्या लिख दिया, 6 की जगह 6 लिख दिया। और आगे बढ़ते हैं, 9 की पावर में अगेन 440 में हमने किसका भाग दे दिया, 4 का, जो रूल अभी आपको समझाया गया। अब आप इस बात को और आगे समझो कि जैसे 225 में 4 का भाग देंगे तो यहां रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ठीक है, और यहां जब आप 4 का भाग देंगे तो यहां रिमाइंडर 0 बचेगा। अब यदि भैया रिमाइंडर आपका 0 बचे, यदि आपका रिमाइंडर क्या बचे, 0, तो एक बात और नोट करके चलो, जब कभी पावर में रिमाइंडर 0 बचे तो उस पावर को 4 के बराबर मानना है, 4 के बराबर मानना है। यही इस क्वेश्चन को पढ़ने की समझने की ट्रिक है। अब भैया 4 के बराबर क्यों मानना है, देखो 0 बचने का मतलब है शेषफल 0 आया, मतलब जो भी डेटा है वो पूरा पूरा भाग गया। अब पूरा पूरा भाग गया तो किसकी वजह से गया, कि 4 की वजह से गया, मतलब वो फोर्थ नंबर है, वो फोर्थ नंबर है, इसका मतलब फोर्थ प्लेस पर लिया गया डेटा हम काउंट करेंगे। अब इसका मतलब साफ साफ आपके पास 4 की पावर 1, 6 और 9 की पावर 4, ये डेटा बच गया। तो 4 को 6 से गुणा किया, 24, 24 में से हमारा काम का है क्या, 4। आगे आप 9 की पावर 4 की बात करेंगे तो बेटा 9 की पावर 4 का मतलब वो 9 को कितनी बार गुणा करना, 4 बार। अब 9, 9, 81, अगेन 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 81 आएगा। 81 में हमारे काम का कौन है, 1, 1 इंटू 1 करने पर क्या निकल के आने वाला है, 1। तो 4 इंटू 1 करने पर फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा भाई वो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 जो रिजल्ट आएगा वो आपके कौन से ऑप्शन में आएगा, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या जिन जिन लोगों का बी आंसर आ रहा है एकदम सही है, मनीषा अवस्थी, अंकित राजवंशी और बी के, तीनों बच्चों का बी आंसर आ रहा है, और बी आंसर जितने भी लोगों का आ रहा है सभी का सही है। बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश किया करो, आंसर दिया करो। महेंद्र सारण बी, ठीक है चलो और आगे बढ़े, क्लियर आपकी बात। चलो भाई और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 25 की पावर 20 इन में 24 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब एक बात बताओ, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको बोला गया है कि 25 की पावर 50 डिवाइड बाई 24, देन आपका शेषफल क्या बचेगा। तो एक बात बताओ,
ये 25 जो है वो तो 50 बार है, तो हर 25 में जब जब 24 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा। अब भाई रिमाइंडर एक बचेगा तो एक जो बचा वो कितनी बार बचा, 50 बार। अब भाई एक 50 बार बचा तो क्या है, एक ही तो बचा। अब एक में 24 का भाग जाता नहीं है, इसलिए आपका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा, और एक हमारे ए ऑप्शन में। तो जिन जिन बच्चों का ए आंसर है, बिल्कुल भाई एकदम मनीषा अवस्थी, ए आंसर आपका राइट है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 15 की पावर 75 को 16 से भाग देने पर। भाई आप बात को समझना, 15 की पावर 75 डिवाइड बाय 16। अगेन इस क्वेश्चन को हम वैसे ही पढ़ेंगे। अब वैसे ही पढ़ने का मतलब अब क्या है, अब आप वापिस समझो कि 15 में 16 का भाग तो नहीं जाएगा, पर 15 में जब 16 का भाग दोगे तो माइनस का एक बचेगा। 15 में जब 16 का भाग दोगे तो माइनस एक बचने का मतलब है 15 16 से 1 छोटा है, 15 जो है वो 16 से 1 छोटा है। अब भाई जब ये एक छोटा है तो -1 की पावर 75 डिवाइड बाय 16, आप रिजल्ट को ये बोलोगे। अब अगेन माइनस की पावर ओड है तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा, तो इसका मतलब ये जो भी है रिमाइंडर ये बोल रहा है कि 16 से 1 छोटा इसका शेषफल होगा। अब भाई 16 से 1 छोटा इसका शेषफल होगा तो इसका शेषफल कितना होगा, 15 होगा। और 15 ऑप्शन हमारा जो 15 जिस भी ऑप्शन में वो राइट ऑप्शन है, और 15 हमारा कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज द राइट। तो देखते हैं बी आंसर कितने लोगों ने लगाया, देखो ए लगा दिया एक, अरे भाई एक गलत है, एक गलत है, बी आंसर आएगा बी के महेंद्र सारण, सुधारो आंसर को, एक आंसर गलत आएगा। ठीक है अब बी आंसर क्यों आया, रीजन क्लियर है भाई, वो पावर इवन होती तो आपका डेफिनेटली एक ही आता, पर पावर यहाँ ओड है और ओड होने की वजह से आंसर आपका -1, और माइनस को जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको पता लग गया कि 15 निकल के आया। क्या आपको बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दो। किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग देने पर, तो बेटा एक कीवर्ड दे रखा है लगातार, इस लगातार कीवर्ड का मतलब क्या है, यहां पर इस लगातार कीवर्ड का मतलब है भागफल में भाग देना। जब तक आपको क्वेश्चन पढ़ना समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। लगातार कीवर्ड का मतलब भागफल में भाग देना। अब भागफल में भाग देना लगातार कीवर्ड का मतलब है, तो अब हमें बातें समझ में आने लगेगी कि आपने क्या बोला, 3 और 5 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, और एक बार आपने भाग जो दिया वो 5 से भाग दिया। भाग देने पर आपका शेषफल 2 और 1 बचा। अब लगातार बोला है तो भागफल में भाग देना, ये आपका सी बचा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपको किस तरह से डिजाइन किया गया। अब भाई जब क्वेश्चन की आपको फिलोसफी समझ में आ गई तो अब आप इस बात को समझना, जब आपको अंतिम भागफल नहीं दे, जब आपको आपको अंतिम भागफल नहीं दे तो आप हमेशा अंतिम भागफल के नाम पर एक मान लीजिए, आप हमेशा अंतिम भागफल के नाम पर क्या मान लो, एक। अब इसको सोल्व करना देखो कितना आसान है, 5 × 1 5 + 1 आपका डेटा निकल के आया 6, यदि 6 यहां पर है तो 6 यहां पर होगा, 6 × 5 18, 18 + 2 20, मतलब जो वो रियल नंबर था वो रियल नंबर आपका 20 हुआ। अब जैसे भाई वो नंबर 20 हुआ तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब भाई 20 में 15 का भाग देना है, 15 एकम 15, तो यहां आपका शेषफल क्या बचा, आप बोलेंगे सर शेषफल 5 बचा, और 5 हमारे सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज द राइट। तो किन किन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है एक बार मुझे बताएं, महेंद्र सारण सी, और बाकी लोग बताओ भाई। केवल एक जने का सी आया है इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई, प्रॉब्लम आ रही तो मामला गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल, बीके शर्मा सी ऑप्शन, और सुनील सैनी सी, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, दो चार लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, एक क्वेश्चन दिया और बोला कि ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले आपको 11 से भाजकता का नियम आना चाहिए। अच्छा, 11 से भाजकता का नियम क्या, पहले वो सुनो, 11 से भाजकता का नियम क्या है, अल्टरनेट का मतलब है एकांतक्रम में लिखी जो संख्या है, संख्या को जोड़कर आपस में घटाया जाता है और घटाने पर यदि रिजल्ट के तौर पर 0 या 11 से विभाजित संख्या आवे, 0 या 11 से विभाजित संख्या आवे तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। पहले तो आपको ये टर्म समझ में आनी चाहिए। अब भाई जब आपको ये टर्म समझ में आ गई तो अब आप बात को समझना, 48327*8 ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपने बात लिख दिया तो अल्टरनेट नंबर को जोड़े, तो आप अल्टरनेट के तौर पर आप यही तो जोड़ोगे, तो अब देखो 4, 3, 7, 7, 14, 14, 8, 22 ये आपने अल्टरनेट नंबर जोड़ लिया, राइट। अब सुनो, 8 और 2, 10, 10+x ये जोड़ दिया। अल्टरनेट नंबर का जोड़कर आपस में क्या किया जाना चाहिए, घटाना चाहिए, तो बोलो बीच में चिन्ह किसका लगा दिया, माइनस का, और रिजल्ट 0 या 11 से विभाजित आएगा। अब भाई यदि यहां रिजल्ट 0 लिख दिया तो तुम बताओ 22 में 0 लाने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा, 12। अब x का मान 12 रखने का मतलब क्या, यहां डिजिट जो है वो 1 होनी चाहिए, पर यहां डिजिट कितनी होगी, 2, तो भैया 0 तो नहीं रखेंगे, तो फिर 11 रखना पड़ेगा। अब ये बोलना चाह रहा है 22 में से क्या घटाएं कि 11 आए, तो भाई 22 में से 11 घटा तो 11 आ जाएगा, तो इसका मतलब x का मान कितना होगा, 1, या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर इस ब्रैकेट को आप ओपन करो, -10 -x = 11, यहां आपने देखा तो 12 - x = 11, देन x बराबर, आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, बाकी आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 22 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि 11 है, तो 22 में से 11 घटाने पर आएगा 10 ऑलरेडी था, 1 और जोड़ दीजिए, तो आपका इस प्रकार जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इज द राइट। तो भैया ए आंसर क्यों है, किस लिए है, आपको रीजन समझ में आया। महेंद्र अवस्थी, सर 0 कब और 11 कब रखते हैं, भाई 0 तो जब रखते हैं जब रिजल्ट 1 से लेकर 9 के बीच में आना हो, क्योंकि यहां जो डिजिट है ना वो 1 डिजिट है, और 1 डिजिट लाने के लिए तो 0 रखते हैं, बट 0 रखने पर 2 डिजिट आ रही है तो हमें 0 नहीं रखना चाहिए, फिर 11 रखना चाहिए, तो ये इसका मेन रीजन है और यही फाइनल रीजन है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें भाजकता के नियम का। क्वेश्चन बोला कि ये किससे डिवाइड है, 9 से विभाजित है। सुनो भाई, इनकी फैमिली बता देता हूं आपको, 9 की 3, 9, 27। अच्छा, 3 का मतलब है 3 की पावर है, 9 कैसे लिया, 3 का स्क्वायर, और ये कैसे लिया, 3 का क्यूब, तो ये सभी की सभी कोस किसकी फैमिली हुई, 3 की फैमिली हुई। अब भाई ये जब 3 की फैमिली हुई तो इन सबका एक ही विचार है, इन सबका एक ही विचार है, विचार क्या है, दी गई संख्या में अंकों का योगफल यदि इस फैमिली से डिवाइड हो, तो संख्या रेस्पेक्टिवली 3, 9, 27 से विभाजित होगी। अब फैमिली से डिवाइड होने का मतलब क्या है, यदि 3 के लिए देखना है तो 3 का नियम देखो, 9 के लिए देखना है तो 9 से डिवाइड करो, 27 के लिए देखना है तो 27 से डिवाइड करो, 81 के लिए देखना है तो फिर 81 से डिवाइड करो। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ ली, अब जैसे ही आपको ये बात समझ में आई तो अब आप देखो 7+6+1+*8+4+3 इसने बोला कि भैया नंबर ऑलरेडी आपका जो डिवाइड है वो किससे डिवाइड है, आपका 9 से। अब भैया 9 से डिविजन तो सुनो,
आठ प्लस एक, इन दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ? नौ। तो एक हिसाब तो क्लियर। और देखो छह प्लस तीन, इन दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ? नौ। एक हिसाब और क्लियर। अब आपके हिसाब से डेटा बचा सात, एक्स और चार। तो बेटा सात और चार ग्यारह, ग्यारह में ऐसा क्या जोड़े कि नौ का भाग जाए? तो सिंपल बात है, ग्यारह में सात जोड़ दो। ग्यारह में सात जोड़ने पर ग्यारह और सात अट्ठारह हो जाएगा, और अट्ठारह में आपका नौ का भाग जाएगा। और इस प्रकार आपका जो आंसर है वो कौन सा आंसर माना जाएगा? सी। तो सी आंसर इज द राइट आंसर। तो सी आंसर क्यों हुआ? बिल्कुल राहुल कुमार, सी आंसर सही है। बी के साथ बिल्कुल शर्मा एकदम ओके। मनीषा अवस्थी, राहुल कुमार, अंकित सी, महेंद्र सी, बिल्कुल जितने भी लोगों ने सी आंसर निकाला एकदम सही है, बहुत राइट, एकदम ओके। चलो इसको फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है? दो बहुत सिंपल बात, या तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप डेटा को याद रखो कि कौन सा डेटा कब किसमें कैसे भाग जाएगा, या बहुत सिंपल बात है भाई, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, देखो याद रखोगे तो भाई कितनी बातों को याद रखोगे और कितनी बार याद रखोगे। तो बेहतरीन तरीका क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि दो अंकीय संख्या को दो बार लिखकर चार अंकीय संख्या बनाई जाए, पच्चीस पच्चीस, पैतालीस पैतालीस, तो ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी? अब जरूरी नहीं कि यही लिख कर दे, आपको कुछ भी लिख दे, चाहे सैंतीस सैंतीस लिख लो, बारह बारह लिख लो, कोई भी एक नंबर लिख लो। इसने लिख दिया, नहीं भी लिख कर दे सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो आप डेटा याद रख लो तो द बेस्ट है कि दो अंकों की संख्या रिपीट करके जब चार अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो संख्या हमेशा एक तीन सौ वो सॉरी 101 से डिवाइड होती है। अब 101 तो ये रहा ऑप्शन में, वैसे तो इसका आंसर 101 डायरेक्ट हमें दी पता है, तो सीधा आंसर पता ही दिया। बट एक बात ध्यान रखो, जब नहीं पता तो क्या कर, कुछ नहीं, ऑप्शन का भाग दे दो। जिससे पूर्णतः भाग जा रहा है वही तुम्हारा आंसर है, और भाग नहीं जा रहा तो आपका आंसर गलत है। तो फाइनली आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बोल सकते हो कि 101 से आपका पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप ऐसे रख दो पुट बाई ऑप्शन, पुट बाई ऑप्शन। यदि आप ऑप्शन अप्रोच भी यूज करते हो तो द बेटर अप्रोच, बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि 2 × 4 × 6 × 8 से लेकर आपको मल्टीप्लाई वाई करना है 98, और अंत में आपसे पूछा गया जीरो की संख्या क्या होगी। भाई जब आपसे जीरो के लिए पूछा जाए तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जीरो के आने की कंडीशन क्या है। जीरो आने की यदि कंडीशन नहीं पता तो फिर मामला गड़बड़। तो सबसे पहले तो समझो कि जीरो आती कब है। जीरो जब आती है जब सीरीज जो दी गई है सीरीज में 2 × 5 के मल्टीपल हो। 2 × 5 के आपके क्या हो भाई? मल्टीपल हो, सबसे पहले तो ये। और फिर मल्टीपल में देखा जाता है मिनिमम डेटा कौन सा है, मिनिमम संख्या कौन सी है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है वो दो मिनिमम बार है या फिर आपका 5 मिनिमम बार है। तो अब आप सुनो, वैसे जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा 2, 4, 6, 8 से लेकर 98, तो आप एक बात बताओ यार, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं तो ये सभी संख्या इवन नंबर है या नहीं है? बिल्कुल इवन नंबर है। तो एक काम करो ना, इसमें इवन नंबर कॉमन ले लो। तो जब इवन नंबर कॉमन लोगे तो कितनी बार कॉमन आएगा? 49 टाइम कॉमन आएगा। ठीक, अब 49 टाइम कॉमन आएगा तो अंदर का जो डेटा बचेगा 1, 2, 3, 4 से लेकर आपका बचेगा 49। अब 249 जो टाइम है ये एक्स्ट्रा है। अब पेयरिंग हमें यहां से बनानी है तो उसके दो तरीके, या तो आप मैंने जो बताया इस बात को सीधा सीधा समझ जाओ, या फिर 1 से लेकर 100 तक में सबसे जो मिनिमम डेटा होता है वो 5 होता है। तो जब सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट हो और दी गई संख्या में डिफरेंस बराबर हो 1 हो तो आप लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 9 = 45। अगेन यदि नंबर 5 से बड़ा है तो अगेन 5 से डिवाइड करो, तो एक बार, और जब 5 से छोटा हो गया तो अंकों को जोड़ तो 9 और 1 = 10। तो डेफिनेटली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो जीरोज है वो आपको 10 निकल के आएगी, और नंबर ऑफ जीरो जो 10 है वो आपके कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में।
तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो कितने बच्चों का इसका ए आंसर आ रहा है वो मुझे बताएं। ए आंसर जितने बच्चों का आ रहा है सबका राइट है। चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1357। तो 1357 भैया कौन सा नंबर है? ये आपका एक ओड नंबर है, ये आपकी एक विषम संख्या है। तो आपको बात समझ में आई ये विषम संख्या है? तो भाई जब ये विषम संख्या है तो इस विषम संख्या में आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला 64 को। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पहचान जाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब आप सोचो यदि 64 से मल्टीप्लाई किया गया नहीं होता तो इसमें क्या इवन नंबर होता? नहीं होता। और इवन नंबर नहीं होता तो जीरो नहीं आती। तो यहां इवन नंबर तो दे दिया। अब इवन नंबर दे दिया तो कैसे करेंगे? तो आप इस फैमिली में तो दो को फाइंड करेंगे और यहां दो आ नहीं सकता तो यहां आप पांच को फाइंड करेंगे। तो देखो 64 के बारे में बात करें तो दो जो है वो 7 बार आया, सॉरी 6 बार आया। दो को आप फैक्टर करके देख लो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना। देखो 32, 16, 8, 4, 2 और 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अब जैसे आप यहां मल्टीप्लाई करते हो देखो 5, 15, 25, 35, 45, ये यहां 5 जो है वो आपका 2 बार आएगा, बाकी समय एक एक बार। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक बार एक्स्ट्रा, तो 5 जो है वो भी 6 टाइम है। तो भैया 5 × 2 की पावर 6 देन 10 की पावर 6, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो नंबर ऑफ जीरो जो निकल के आने वाली है वो कितने आने वाली है? 6। तो आपने बोला कि साहब नंबर ऑफ जो जीरो है वो हमारी 6 है, और नंबर ऑफ जीरो जब 6 है तो वो हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही और एकदम राइट आंसर है। तो देखते हैं बेटा सी आंसर कितने लोगों का रहा है। सी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो। सी आंसर, सी आंसर जिन जितने लोगों का आ रहा है वो सबका सही है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 1 + 1/2, 1/4, 1/7, 1/14 और 1/28, ये आपको ऐड करने के लिए बोला गया है। तो देखो भाई दो तरीके, या तो आप इस क्वेश्चन का एलसीएम ले लो या फिर इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करो। कैसे समझना है कि देखो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। अब जब हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो भाई 28 है तो इसको 28 बनाने के लिए देखो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, होगी 28। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन को आसानी से जोड़ पाएंगे। यह 28 करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट। अब देखो अब यदि यहां भी कर सकते हो तो कर दो, 28 कर दिया, और यदि यहां भी कर सकते हो तो यहां भी कर दो। क्या आपने सभी को नीचे 28 बना दिया? अब इससे काम आसान कैसे हुआ कि सबको जोड़ दिया तो ये आया 14 + 7 + 4 + 2 + 1। अब भाई इसको ऐड करना है, 2 × 3 = 4, 7 + 7 = 14, 14 = 28। 28 / 28 कितना है? 1। और ऑलरेडी क्या चल रहा है? प्लस 1। तो 1 + 1 कितना निकल के आया? 2। और आपका ये कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आपका एकदम राइट है। तो निकिता कुमावत बी आंसर, बी के कुमार बी। बाकी लोगों को आंसर नहीं देना क्या? सभी लोग आंसर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? क्लियर? चलो मनीषा महेंद्र बी के बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि एक संख्या के 3/4 का 2/3 जो भाग है वो 24 है, तो बताओ संख्या का आधा भाग क्या होगा। ये आपसे पूछा गया था। अब आप बात समझो, एक संख्या को x मान लो, इसका कौन सा भाग 3/4 भाग, का मतलब अगेन गुणा 2/3 है वो आपको दिया गया 24। तो यहां तक की बात क्लियर है? तो भाई इसकी बात क्लियर, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया आपका 48, तो वह जो संख्या है वो तो 48 है। अब क्या बोला है, संख्या का आधा करना है, तो भाई 48 का आप आधा कर दो, 48 का आधा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 24। तो आपसे यही तो पूछा है कि भैया संख्या का आधा क्या होगा, तो संख्या का जो आधा निकल के आएगा वो आपका 24 निकल के आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी। तो ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। वैसे आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना समझ में आना चाहिए था, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आपको ये डेडिकेशन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और हर क्वेश्चन आपका सोल्यूशन किया जा सकता है, बट उस क्वेश्चन को आपको उसी शिद्दत से पढ़ना होगा जिस शिद्दत से तुम उस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो। प्यार से पढ़ोगे, समझ समझ के पढ़ोगे, तो एक ही समझ में आपका आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं बी ऑप्शन, जितने बच्चों का रहा है सबका राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो और आप देखिएगा। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, तो आपको सबसे पहले तो यह समझना होगा कि विषम संख्या क्या होती है। विषम का मतलब एक ओड नंबर होता है, और प्राकृत संख्या वो आप जान नहीं रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, उसमें विषम बोला है, कंडीशनल बोल दिया तो 1, 3, 5, 7। तो भैया इसने कंडीशनल बोला है तो 1, 3, 5, 7। अब एक बात बताओ, 3 क्रमागत हर संख्या में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो किसका निकल के आ रहा है, 2 का। आप किसी भी एक विषम संख्या को x मानोगे तो नेक्स्ट जो विषम संख्या होगी वो आपकी +2 होगी। क्या आपको ये क्लियरिटी मिलेगी? तो मैंने एक काम किया, या जब विषम संख्या मानी तो x मान लो, अगली वाली क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी, और इससे पहले वाली क्या हो जाएगी x-2। तो इन तीनों संख्याओं का जो योगफल है वो आपका दिया गया 147। तो तीनों का योगफल हमने लिख दिया 147। अब आप हल करो, 2 से 2 कैंसिल, 3x = 147, देन x = 49 हमारे कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का आंसर सी आंसर आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है एकदम राइट है, निकिता, महेंद्र, बीके, मनीषा, पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया शायद, ठीक है, महेंद्र, निकिता, सैनी स्टूडियो, सी। तो जिन जिन बच्चों का सी आंसर है एकदम राइट है, बिल्कुल ओके है। चलो अब आगे चलते हैं, ओके राइट, सी ऑप्शन इज द राइट। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 में क्या बोलता है, 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप पढ़ो, कि किन्हीं 3 क्रमागत, कोई भी 3 क्रमागत विषम संख्या है, ऐसी होनी चाहिए जो कि 3 से विभाजित हो और उनका संख्याओं का योगफल क्या हो, 63, तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो। अब भैया उसने बोला नंबर ओड तो चाहिए चाहिए, वो भी रेगुलर चाहिए, और ऐसा चाहिए जिसमें वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो, तो 3 कंडीशन एक साथ दी है। तो देखो क्या 11 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, ये तीनों 3 से डिवाइड होंगे। अब बात ऐसी कि सही कौन सा है, तो इसने बोला कि आपको सबसे छोटी संख्या, तो अपन एक काम करते हैं इसी से पुट बाय ऑप्शन करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पुट बाय ऑप्शन करना एक ही बेहतरीन अप्रोच है। तो यदि पहला ऑप्शन 9 रखेंगे तो अगली बारी में 9 के बाद में 11 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, 13 नहीं लेंगे, 15 लेंगे, 15 के बाद में 17 नहीं लेंगे, 19 नहीं लेंगे, 21 लेंगे। क्या इन तीनों को ऐड करने पर आपका इनका सम क्या 63 आ रहा है क्या? भैया देखने से ही पता लग रहा है कि नहीं आ रहा। अब चलो हम 15 को कैप्चर करते हैं, तो 15 को करेंगे तो 15 के बाद 21 तो ऑलरेडी कंसीडर कर ही चुके, अब 21 के बाद में क्या लेंगे बताओ, 21 के बाद लेने वाले तो 23 थे, 23 नहीं ले सकते, फिर 23 के बाद में 25, 25 नहीं ले सकते, फिर 25 के बाद 27, 27 ले सकते। अब तीनों को फिर ऐड करके देखो, 7 और 8 = 13 और 2 और 4 = 6, इन तीनों का जो सम निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है भाई, 63। इसका मतलब इन तीनों का जो मिनिमम वैल्यू है 15, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, तो सी आंसर इसका राइट आंसर। तो भाई ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चनों को
इस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा पुट बाय ऑप्शन। पुट बाय ऑप्शन अप्रोच यूज नहीं करोगे तो मारे जाओगे, फंस जाओगे तुरंत क्वेश्चंस के अंदर। क्या आपको बात क्लियर? तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योग, बहुत सिंपल बात बोली गई है, तो आप प्यार से लिख दो संख्याओं का योगफल 40। फिर क्लियर बोला कि उन्हीं का ही गुणनफल x * y कर दिया जाए तो उनका गुणनफल 375 है। फिर पूछा है व्युत्क्रम। अच्छा व्युत्क्रम का मतलब क्या है? तो व्युत्क्रम का दोस्तों मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब है डेटा को उल्टा करके लिखना। अब यदि पहला डेटा मैंने एक्स माना है तो 1/x और y का डेटा है 1/y। आपका इससे क्या पूछा है? योगफल। तो देखो भाई इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, ऊपर आपका डेटा कितना आ जाएगा? वाई प्लस एक्स। वाई प्लस एक्स बोल दो चाहे एक्स प्लस वाई बोल दो, बात तो एक ही है ना। अब यदि इन दोनों का सम किया तो भाई 40 है और इन दोनों का जो गुणनफल किया वो 375 है। अब आपस में काटते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 8 बार और 5 7 35 और 5 5 25, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8/75। और 8/75 हमारे कौन से ऑप्शन में? हमारे ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो जिन जिन बच्चों का ए आंसर है वो एकदम राइट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। अब कोई संख्या का जो 3 गुना है तो उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो अधिक का मतलब कंपेरिजन करवाया है। कंपेरिजन का मतलब है चिन्ह माइनस का, बराबर लिख दो आप 60। अब दोनों में कॉमन लो 3x, तो 1 - 1/5 इक्वल टू 60 आया। देन 3x * 4/5 इक्वल टू 16, तो 4 * 3 = 12, 12 * 5 = 60। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे भैया x बराबर कितना आ गया? 25। x बराबर 25 आपके कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बेटा आज हमने इस वीडियो में सेशन में 20 क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद रखता हूँ आई होप कि आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि आज की क्लास आपकी कैसी रही, क्या आपको समझ में आया और क्या इस प्रकार इस क्लास को क्या रेगुलर रखना चाहिए, और कोई कमी लगती है तो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे कि अपन उन चीज़ों को यूज करते हुए नेक्स्ट सेशन में उसको अपडेट करते हुए चले। जल्दी से बताओ भाई। ठीक है तो बेटा चलते हैं, फिर हम करते हैं सेशन को एंड, फिर मिलेंगे आपके अपने नए सेशन में अगेन कल 10 बजे। तो बने रहिएगा, फिर हम इसकी और सीरीज को, नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके रेलवे ELP टेक्नीशियन RPF ग्रुप डी रेलवे से रिलेवेंट कोई सी भी एग्जाम में आए हो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है चलो, ठीक है, ओके टाटा बाय।